यार हमारी मुर्गी ना एक नीचे चली गई, पता नहीं क्या आ गया, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। बैनमील जल्दी आओ यार, जल्दी आओ यार, उसको ना पकड़ते जाके ये ना गली में चली जाए। दोस्तों मैं नीचे वाले पोर्शन पे आ गया हूँ, तो मुर्गी ना हमारी ना ये देखिए ये ऊपर चढ़ी हुई है, ये देखिए यार इसके ना उल्टी काम होते हैं, अब इससे पकड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, कोई ना इधर जुगाड़ लगाते हैं। यार ये देखिए ये तो हमसायों के घर जा रही है यार, भाई शराज इसे किसी तरह काबू करो, वो देखो वो उनके घर चली गई है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो यार मौसम तो बहुत प्यारा है, देखो हर तरफ ना काले बादल आए हुए हैं, तो यार आज ना मेरी ऐनक नहीं लगी होगी क्योंकि मेरी ऐनक गई है टूट, तो आज आपको मैं अपने सारे व्लॉग में इस तरह ही नजर आऊंगा। आप लोगों ने इस बात को इग्नोर करना कि यार भाई की ऐनक किस तरह टूट गई, ये हो गया वो हो गया, बस आपने इग्नोर कर देना है। और यार हमारी मुर्गियाँ देखे ब्लैकी का खाना खाने लगी, पीछे हो जाओ पीछे यार, इसके अंदर डाल देते टोकरी के। और यार आपको साथ बात बताता चलो, कल रात ना हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बारिश हुई और हमारा सारा सेटअप के रात के वक्त ना मैं सफाई करने आया तो डूबा पड़ा था, कबूतरों का डर भाई इतना ज़्यादा बुरा हो गया था ना, और ब्लैकी का चारा भी ख़राब हो गया, तो इसलिए आज कोई दुकान नहीं खुली थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो आज बेचारी को ना छिलकों से या सब्ज़ी वगैरह से ना गुजारा कराना पड़ेगा। चलो भाई ये यार ये देखे गाजर वगैरह पुदीना वगैरह सब कुछ है, ये सारे डाल देते हैं, आज रात को भी इसे ना इसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, फिर ना सुबह को जो सी खुराक आएगी इसकी स्पेशल वो खिलाएंगे, फिलहाल यही खिलाते हैं। यार ये देखो हमारी ब्लैकी को भूख लगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यार ये देखो कितनी तेजी से आ रही है, अब मैंने इसे इधर दे दिया तो कुछ देर बाद ना हमारी मुर्गियाँ भी इधर टपक पड़ेंगी तो इसको खाने नहीं देंगी, तो चलो भाई यार इसे ना आराम से खिला देते। कबूतरों के मैं केज की हालत आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा ना बुरी हुई पड़ी है, मैंने इनको छोड़ दिया भाई क्योंकि ये सुबह के ना अंदर ही नहीं जा रहे थे, फिर मैंने ना दो को और छोड़ दिया, एक नहीं जा रहा, तो मैंने कहा यार ये ना अकेला घूमी हो जाए। चलो भाई आ जाओ भाई, जल्दी करो जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह देखे कितने प्यारे लग रहे हैं सारे भाई, आ गए अभी ना इनको दाना पानी कर देते हैं। दोस्तों मैं ना आपको अभी दिखाता हूँ, जो उनसे हमारा लकवे वाला कबूतर है ना वो मैंने अलग कर दिया, ये वाले केज के अंदर छोड़ा, और दिखाता हूँ किस तरह घूमी जा रहा है। यार ये देखे इससे ना दाना भी नहीं खाया जा रहा, मैंने ना इसे अलग बंद किया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, ये देखिए यार खुद ब खुद ना इधर उधर घूम के लग रहा है, नीचे गर्दन करने की कोशिश करता है लेकिन ना इसे खाया नहीं जाता यार, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ पड़े, बहुत ज़्यादा दुख होता है इस तरह के परिंदों को देख कर, देखे बेचारा कितनी अजीत सहर है यार, देखे फुल ज़्यादा ना घूम रहा है, इससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है इसे ज़िंदा रखा हुआ है, बीमारी ऐसी है कि पेट भी भर जाता है भाई, ये इस तरह की अल्लाह ताला हमारे ना किसी परिंदे को बीमारी ना लगाए, बहुत ज़्यादा ये ना दुख वाली बीमारी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल से सही होती है। दोस्तों मैंने अभी देखे हमारे हिटलर ने भी अच्छी वाली फ्लाइंग की यार, पिजन की तरह इधर से उड़ा, इस तरह होकर ना नीचे आ गया यार, इसके पर आ रहे हैं ये देखे, नीट वाले वाइट साफ सुथरे हैं ना, नए इसके पर आ रहे हैं, ये भी ना उड़ने की कोशिश करता है लेकिन इससे उड़ा नहीं जाता, पता नहीं क्या मसला है इसे, तो अभी ना मैं उड़ाकर दिखाता हूँ आपको, यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हमारे हिटलर ने उड़ना शुरू कर दिया और इसकी बीवी का पता नहीं कब अंडे देगी, और इसने अपने ना नए पर निकाले, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखे, साफ साफ ब्राउन ब्राउन वाले पहले ख़त्म कर दिया और नए पर निकाल दिया, तो अभी मैं क्या करता हूँ ऊपर चढ़ता हूँ और हिटलर को ना जोर कर ऊपर फेंकूंगा, देखती है फ्लाइंग करता है या नहीं। दोस्तों मैंने ना हिटलर को पकड़ा है, ये देखे कितनी ज्यादा मस्तियां कर रहा है, और हमारी ना सारी मुर्गियां ना सेटअप की डर गई पता नहीं क्या हो गया, और हमारी बड़ी असील कुड़क मुर्गी भी ना ऊपर चढ़ गई, शोर मचाई जा रही पता नहीं क्या हो गया, और रहने दो उसने गली में छलांग लगा देनी, ना करो यार अभी ना इसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और हमारा नेट ना दोबारा यार खुल गया, इतनी मुश्किल से बांधा था, इतनी ज्यादा इसके अंदर ना हिटलर के अंदर जान है। तो यार हमारी मुर्गी ना एक नीचे चली गई, पता नहीं क्या हो गया, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, बैनमील जल्दी आओ यार, जल्दी आओ यार, उसको ना पकड़ते जाके ये ना गली में चली जाए। दोस्तों मैं नीचे वाले पोर्शन पे आ गया हूँ, तो मुर्गी ना हमारी ना ये देखिए ये ऊपर चढ़ी हुई है, ये देखिए यार इसके ना उल्टे ही काम होते हैं, अब इसे पकड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, यार मैं ना इसके ऊपर चढ़ता हूँ फिर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारी मुर्गी ना ऊपर गई चली इस वाली दीवार पे, भाई शराज वीडियो बना रहे पहले उधर चल रहा था, चलो चलो ओ यार यार ये तो वो दूसरी वाली साइड पे चली गई है, यार ये देखिए इधर से कैमरा दिखाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो देखे गर्दन के लिए नजर आ रही है, अब क्या करें यार भाई शराज, यार ये बहुत ज़्यादा ना ऊपर चली गई है, इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बस दुआ करें किसी तरह ना इसे नीचे उतार ले। तो दोस्तों मैं ना दोबारा ऊपर आ गया हूँ, हमारी मुर्गी बाहर चली गई है, भाई शराज देख रहे हैं कोई ना इधर जुगाड़ लगाते हैं, यार ये देखिए ये तो हमसायों के घर जा रही है यार, भाई शराज इसे किसी तरह काबू करो, वो देखो वो उनके घर चली गई है यार,
यार इसे पकड़ना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो देखो वो दीवार पर चढ़ गया, काम चेक करे इसके, हमसायों के घर पहुंच गया। पता नहीं इसे क्या हुआ था, एकदम ना डर गई थी अचानक से, खुद ब खुद हमारे हिटलर ने डराया। और हिटलर हमारा इतना गंदा है ना कि वो सब मुर्गियों को डरा कर रख देता। मैं आपको दिखाने लगा था कि हमारा हिटलर उड़ता भी है, लेकिन उसने भाई ने ना सारे कारनामे दिखा दिए। कहाँ पे गया यार, वो देखे वो दीवार पर बैठी हुई है, दुआ करे बस किसी तरह ना उसे पकड़ लें। दोस्तों मैं ना दोबारा ऊपर आ गया हूँ जाल लेकर, मुर्गी बहुत ज्यादा तंग कर रही है और डर भी रही है। ये देखे ये दीवार पर बैठी हुई, इसे ना हमने किसी तरह पकड़ना है। ये रहा जाल, इसके ऊपर डालते हैं, 1 2 2 3। आ जा यार, यार मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा, बहुत ज्यादा मेरा छोटा कद है। ये देखे ये इधर आ गया, 1 2 1 2 3, नीचे आ गई नीचे आ गई। पकड़ता हूँ यार, ये देखे बहुत ज्यादा तंग कर लिया। आज यार ये देखे यार, मैंने इधर गमलों के पास पकड़ लिया था लेकिन अंदर चली गई है। और ये देखे ये मुर्गी बहुत ज्यादा तंग कर रही है। आज फाइनली दोस्तों यार, मैंने काफी देर की मेहनत ले फिर निकल गई यार, हमारा जाल ही फटा हुआ है, पता नहीं क्या मसला है। मुर्गी को पकड़ता हूँ लेकिन निकल जाती है बाहर। तो फाइनली दोस्तों यार, काफी देर की मेहनत के बाद ना मैंने और बशराज ने बहुत मुश्किल से पकड़ी है। ये देखे मुर्गी पकड़ ली, छोड़ दे यार अंदर, बहुत ज्यादा तंग कर रही है, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। ये सब हमारे कारनामे ना हिटलर किया, वो बहुत ज्यादा मुर्गियों को तंग करता है, ऐसा पता नहीं क्यों करता है। क्या हुआ भाई, ये भगोला है, ये कह रहे कबूतर आ गया नया, तो मुर्गी ने ना आज मेरे सांस चुका दिए। दो दो चक्कर ना हमसायों के घर लगवाए, कभी शटर पे चढ़े कभी कहाँ पे, लेकिन यार बहुत मुश्किल से ना मैंने पकड़ लिया। अब बंदर ही आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यार कितनी शरीफ होकर ये देखे सामने बैठ गया, पता नहीं इसे क्या मिलता है हमें तंग कर कर। यार आज हमें चारा नहीं मिला तो बकरी यार गंदे गंदे कागज खा रही है, ये देखे सारे अंदर से निकाल कर खा रही, पता नहीं क्या गया, अभी ये मुंह में डाला हुआ था शोपर। आज यार इसका ना हमें चारा नहीं मिला, बहुत ज्यादा कोशिश की, सब्जी के छिलके भी डाले लेकिन इसने खाए नहीं। ये देखे ओए 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 नबील, पकड़ो पकड़ो, ओ जल्दी करो यार, इधर आओ जल्दी करो यार, ये छोड़ ही नहीं रही, जल्दी निकालो ये निकालो यार, जल्दी करो इसने खा जाना है, ओ जल्दी करो, खेचो आराम से खेचो यार। ये देखे कितना बड़ा शोपर ना खा जाती है, लगता है काफी ज्यादा ना भूखी है। आज की रात इसे इस तरह ही गुजारा करना पड़ेगा, हमारे पास चारा ना बिल्कुल नहीं है। इधर रखा था आपको पता है, बारिश का पानी सारा हमारा ना ये डरबे के अंदर जाता है, तो साथ ही हमारा चारा चला गया, बस थोड़ा सा बचा था वो भी खराब हो गया। तो अपनी वीडियो को करते ही देते दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल इसरार के जू को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये देखिए फिर नहीं हटरी इस बंदी का, क्या करिए, देखिए शोपर खाने पे तुली है, पता नहीं इसको इसके अंदर कौन सा मजा आता है।